types of crystalline solids. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लासिफाई किया था सॉलिड्स को इनटू थ्री टाइप, क्रिस्टलाइन, अमोर्फस एंड क्वासी क्रिस्टलाइन. आज हम लोग बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई करेंगे इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. ओके, सबसे पहले चलो एक लाइन हम लोग देख लेते हैं. मेनी सब्सटेंसेस around us are crystalline in nature. बहुत सारे सब्सटेंस, बहुत सारे सब्सटेंस जो हमारे चारों ओर हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं. क्रिस्टलाइन का मतलब आप लोगों को मालूम ही है कि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो होती है डेफिनेट पैटर्न होती है. तो चलो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. चलो यदि मैं मेटल्स का बात करूं बेटा, तो मेटल्स की बात करूं तो आयरन, कॉपर, सिल्वर एसेट्रा, ये सब सॉलिड स्टेट में पाई जाती है. आप लोग मालूम होगा आयरन, कॉपर, ये जी कौन से स्टेट में रहता है? सॉलिड स्टेट में ही रहती है. इफ यू विल टॉक ऑफ सम नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ये सब सॉलिड स्टेट में पाई जाती है. कुछ कंपाउंड्स की बात की जाए तो कंपाउंड्स का यदि हम लोग बात करें तो NaCl, ऑब्वियसली इट्स अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. यदि हम लोग बात करें जिंक सल्फाइड, क्रिस्टलाइन सॉलिड है. हम लोग बात करें मैग्नीशियम क्लोराइड, हम लोग बात करें नेफ्थलीन, ओके. तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखा, दोस दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिस ग्रुपिंग में मेटल्स बोल सकते हैं और नॉन मेटल्स बोल सकते हैं और कंपाउंड बोल सकते हैं. ओके, यदि फर्दर हम लोग क्लासिफिकेशन करें क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो क्लासिफिकेशन जो हम लोग करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन, ये ध्यान देना है, ठीक है ना, द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड किस पे बेस्ड है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. Based on nature of interparticle forces. Okay, particle के बीच में किस type की force operate कर रही है, उस basis पे हम लोग crystalline solid को classify करते हैं. Okay, अब चलो हम लोग classification को देखते हैं कौन कौन से आते हैं. The first one is molecular solids. बेटा तुम देख लो, कुछ बच्चे जो लेट से ज्वाइन किए हैं, मैं रिपीट कर दे रहा हूं थोड़ा सा. अक्सर सॉलिड्स जो हम अपने चारों ओर देखते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं. फिर हम लोगों ने जनरल कुछ एग्जांपल्स देखा कि मेटल्स जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स के क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं, कंपाउंड जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं. अब मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई कर रहा हूं. जिस तरह मैंने पहले सॉलिड को क्लासिफाई किया था क्रिस्टलाइन, अमोर्फस और क्वासी क्रिस्टलाइन में, वैसे ही अब मैं क्लासिफाई करूंगा क्रिस्टलाइन सॉलिड को. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो हम लोग क्लासिफाई करते हैं, इट्स बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस, उनके पार्टिकल के बीच में कौन सी फोर्स ऑपरेट हो रही है उस बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे. तो पहला क्लासिफिकेशन होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड. Next comes
आयनिक सॉलिड्स, फिर होते हैं मेटेलिक सॉलिड्स, एंड नेक्स्ट वी हैव कोवेलेंट स्लैश नेटवर्क सॉलिड। ओके बढ़िया, हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया? एक, दो, तीन, चार। यदि आपसे कभी पूछा जाए कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस फिनोमिनन पे की जाती है, दैट इज कौन सी फोर्स उनके पार्टिकल के बीच में ऑपरेट कर रही है, उस बेसिस पे हम लोग करते हैं। ओके अब ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड को फिर फर्दर तीन पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। द फर्स्ट वन इज ओके, ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है इसको फर्दर हम लोग क्लासिफाई करते हैं इनटू पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये तो सिंपल क्लासिफिकेशन हो गई फिलहाल इस स्लाइड में, बाकी हम लोग इन सबको इन डेप्थ एक एक करके पढ़ेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ भी डाउट आप लोगों को इस स्लाइड में, पॉजिटिव पॉजिटिव तो अगर बगल नहीं रहेगा, पहले कैटायन रहेगी फिर एनायन रहेगा फिर उसके बाद कैटायन फिर एनायन, अरेंजमेंट इस हिसाब से होगा। ओके तो फर्स्ट पॉइंट अबाउट आयनिक सॉलिड इज दिस वन। सेकंड पॉइंट यदि हम आयनिक सॉलिड के बारे में देखें तो कुछ एग्जांपल्स देख लिया जाए इसके बारे में, इट्स NaCl, इट्स सीजियम क्लोराइड, इट्स मैग्नीशियम क्लोराइड एसेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल को दिया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग कूलंबिक फोर्सेस आपको मालूम है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में कूलंबिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है। ओके एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके ये नॉर्मली ये इंसुलेटर्स होते हैं, ओके बट कंडक्ट्स इन मोल्टन स्टेट। ये जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं ये नॉर्मली सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर्स रहेंगे, बट ये कंडक्ट कब करता है? मोल्टन स्टेट में ये कंडक्ट करेगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आयनिक स्टेट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस्ड है, और जैसे ही ये मैं इसे मेल्ट करता हूं तो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस माइग्रेट करती है, आयंस आर क्रिएटेड। ओके इनकी मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई रहती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, अंडरस्टूड। तो ये तो कुछ प्रॉपर्टीज हो गए आयनिक सॉलिड्स के, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस 3D अरेंजमेंट में रहती है, रहता है हार्ड एंड ब्रिटल, काफी हार्ड रहते हैं ये। ओके गॉट इट। नेक्स्ट बेटा वी विल डिस्कस अबाउट मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में डिस्कशन किया जाए तो कुछ एग्जांपल के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ओके देखो ये ध्यान से समझने की पॉइंट है, ये जो मेटेलिक आयंस होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स जो रहती है फ्री रहती है। अब इलेक्ट्रॉन मानो एक एटम से फ्री हो गया तो
तो उसमें क्या बन जाएगा, बच जाएगा पॉजिटिव आयन बच जाएगी, एक एटम से इलेक्ट्रॉन माना थोड़ा सा डिस्टेंस में चला गया तो पॉजिटिव आयन बन जाएगी वो। तो होता क्या है, मेटेलिक सॉलिड में पॉजिटिव आयन जो रहती है एकदम अच्छे से फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में सेट रहती है, मानो ये सब इलेक्ट्रॉन्स है, ओके अंडरस्टूड, और उनके बीच में पॉजिटिव आयन्स सस्पेंडेड रहेंगे, एकदम ऑर्डरली अरेंज्ड रहती है बीच में, अंडरस्टूड। एकदम समझ लो कि एक सी टाइप का इलेक्ट्रॉन्स एक सी बनाती है और उसके बीच बीच में पॉजिटिव आयन सस्पेंडेड रहती है, और इस टाइप के बॉन्डिंग को हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग, इस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज मेटेलिक बॉन्डिंग, ओके। हाँ बेटा, ओके। हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन जहां पे रहेगा आपको मालूम है वहां पे बहुत अच्छा से मतलब बिजली फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट, और फ्री इलेक्ट्रॉन से तो करंट भी फ्लो अच्छे से करती है, और हीट भी बहुत अच्छा से मेटेलिक सॉलिड्स कंडक्ट करवाता है। हाईली लस्ट्रस या बोल सकते हो हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल, मैलिएबल का मतलब आप समझ सकते हो ना, इसे बीट करके आप सीड्स बना सकते हो, डक्टाइल का मतलब है आप इनसे तार भी बना सकते हो, एंड लस्ट्रस एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर इन सम केसेस। देखो ये जो मेटेलिक सॉलिड्स रहते हैं वो लस्टरस रहते हैं, उसमें काफी चमक रहती है, और कुछ केसेस में उनके कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम की भी कलर होती है, सारे केसेस में नहीं, कुछ केसेस में या बोलो तो अक्सर केसेस में फ्लेम की कुछ कलर होती है, ओके। सो ये वाली थी आयनिक सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में। तो आयनिक सॉलिड इज वेरी इजी, यू कैन अंडरस्टैंड दिस, बट मेटेलिक सॉलिड को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, SiO2, मेनली नॉन मेटल्स। बड़े ये ध्यान में देना है, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड जो रहते हैं वो मेनली नॉन मेटल्स होते हैं, गॉट इट, स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल बॉन्ड, ओके। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है आपको मालूम है कोवेलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है, एंड ओवरलैपिंग विल हैपन ओनली इन वन डायरेक्शन, ये जो आयनिक बॉन्ड होती है वो जो पॉजिटिव आयन होता है वो नेगेटिव आयन को किसी भी डायरेक्शन से अट्रैक्ट कर सकता है, बट इस केस में जो होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ओवरलैपिंग होती है, ओके। एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनकी मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई रहती है, और ये इंसुलेटर्स भी रहते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट, बेटा ग्रेफाइट भी एक कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड है, बट ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, आपको मालूम है द रीजन इज व्हाट, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड वन मोर थिंग, हार्ड एंड ब्रिटल, एक्सट्रीमली हार्ड, काफी ज्यादा हार्ड, ये एक्सट्रीमली हार्ड बोल सकते हो आप लोग इसे, got it? And the last type of solid जो हम लोग discuss करेंगे, that is molecular solid. बेटा molecular solid में जो पहली category आती है, that is
नॉन पोलर, और नाम से ही समझ आ रहा होगा आप लोगों के नॉन पोलर से मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं देता हूं तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन। अब मुझे बताओ एक बात कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब आपस में अटैच होगा तो दो हाइड्रोजन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो नहीं होगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होगा तो कोई पोल्स नहीं क्रिएट होगी जिसके कारण ये नॉन पोलर होते हैं। हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन एक्सेट्रा बहुत सारे आप देख सकते हो। ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। लंदन फोर्सेस of attraction, understood? They are very soft, काफी soft होते हैं, very soft and non-conductor of electricity. ये electricity conduct नहीं करेंगे और काफी soft होते हैं और इनके melting point भी बहुत कम होती है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन टाइप की होती है, मैंने आप लोगों को बताया। फर्स्ट इज नॉन पोलर, दूसरा होगा पोलर। जो पोलर होते हैं उनमें पोल्स डेवलप होती है, फॉर एग्जांपल HCl, SO2, NH3। ओके, और आपको मालूम है, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है 11th में ये टॉपिक को, कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ओके, और ये भी सॉफ्ट होते हैं पर इतना सॉफ्ट नहीं होता नॉन पोलर के जैसा। ओके, सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सॉफ्ट है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। एंड द लास्ट पॉइंट यू कैन राइट, लो मेल्टिंग पॉइंट इनके भी होते हैं बट इतनी लो नहीं होती है कंपेयर टू नॉन पोलर, बट उससे थोड़ा ज्यादा रहता है। क्या मैंने लिखा है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, इसको आप लिख सकते हो लो मेल्टिंग। ओके, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड दो टाइप का हम लोगों ने देखा, एक नॉन पोलर और पोलर। थर्ड टाइप का मैं बताता हूं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को। आप लोगों को कोई डाउट है मुझे फट से पूछो जल्दी से। सॉरी, इसका सिंपल एग्जांपल वाटर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ आइस, और इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं। ओके, एंड दे आर वेरी हार्ड, मतलब वेरी हार्ड मतलब हार्ड बोलो, आइस हार्ड होती है। ओके, एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम लोग देख रहे हैं वाटर, जिसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड रहती है, हार्ड रहता है, वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो बेटा हम लोगों ने फिलहाल देखा चार टाइप ऑफ सॉलिड्स होते हैं बेस्ड ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटलिक सॉलिड, कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड। फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है उनको हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। सो दिस इज द टॉपिक, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, एंड यूनिट सेल, ध्यान से समझना। क्रिस्टल क्या होता है आप लोग सबको मालूम है, इस लैटिस शब्द का मतलब पहले समझ लीजिए। लैटिस का मतलब होता है एक क्रिस्टल जो पर्टिकुलर पार्टिकल से बना हुआ है, उसकी अरेंजमेंट कैसी है। तो लैटिस का मतलब होता है पार्टिकल का अरेंजमेंट। ओके, एंड यूनिट सेल, अब यूनिट सेल क्या है जरा ध्यान से समझिएगा बेटा। समझो एक पल के लिए कि मैं एक दीवार बना रहा हूं। जब मैं एक दीवार बनाता हूं तो हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रिक लेते हैं, फिर उसके बगल में और एक ब्रिक लगाते हैं, फिर दूसरा ब्रिक, फिर इस तरह तीसरा ब्रिक,
चौथा ब्रिक, फिर उसके ऊपर में ठीक हम लोग एक और ब्रिक लगाते हैं और इस तरह हम लोग कंटिन्यू करते जाते हैं और हमारी दीवार रेडी हो जाती है। अब मैं आपसे पूछूं कि दीवार का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, दीवार का कौन सा चीज को हम लोग रिपीट किए हैं तो हमें पूरा दीवार मिला। हम लोगों ने एक ब्रिक को रिपीट कर दिया तो हमें क्या मिला, एक वॉल मिला। तो वॉल का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, एक ईंट है या एक ब्रिक है। उसी तरह यूनिट सेल जो होता है एक क्रिस्टल का वो सबसे छोटा पार्ट, ध्यान से सुनिएगा, यूनिट सेल क्रिस्टल का सबसे छोटा पार्ट जिसको यदि रिपीट कर दिया जाए तो पूरी क्रिस्टल आपको मिल जाती है। तो ये तो हो गई एलिमेंट्री पार्ट टॉपिक के बारे में, हम लोग इन डेप्थ टॉपिक में देखते हैं इसे। ओके, रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल, पार्टिकल इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, हम लोगों ने पहले पढ़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। हम लोग क्या कह करते हैं, जो पार्टिकल से वो बना हुआ है, जो पार्टिकल से वो बना हुआ है हम लोग उसे रेगुलर पैटर्न में सिस्टमैटिक वे में रिपीट कर देते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है बेटा, जिस पार्टिकल से वो बना हुआ है हम लोग उसे रेगुलरली रिपीट कर देते हैं। गॉट इट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको समझते हुए, अ पॉइंट कम्स दैट इज नोन एज स्पेस लैटिस। आई सपोज आप लोगों को पॉइंट से ही समझ आनी चाहिए कि ये क्या बोलना चाहता है। लैटिस का मतलब होता है, आपको मालूम है, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कहां पे, स्पेस में, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट स्पेस में। चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स देखो, पॉइंट्स बोलने का मतलब यहां पे है एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल। जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल से एक पार्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड बना हुआ है उसे हम लोग यदि रेगुलरली अरेंज कर देते हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस में तो उसे हम लोग बोलेंगे स्पेस लैटिस। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जिन एटम, आयन या मॉलिक्यूल से क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल स्ट्रक्चर, यदि हम लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझना है तो हम स्पेस लैटिस के मदद से उनके प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, वही मेन बेस बनती है, स्पेस लैटिस की मेन बेसिस बनती है स्ट्रक्चर्स के प्रॉपर्टी को समझने में। गॉट इट।
बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अगस्ते लैटिस, सॉरी उनका नाम था अगस्ते ब्रेविस। इन्होंने क्या बोला था कि पार्टिकल्स को स्पेस में मैक्सिमम 14 तरीके से सजाया जा सकता है। अगस्ते ब्रेविस ने क्या बोला था, स्पेस में पार्टिकल्स को मैक्सिमम 14 तरीके से सजाया जा सकता है, और वो 14 तरीके के अरेंजमेंट को बोला जाता है ब्रिवाइस की अरेंजमेंट या ब्रिवाइस लैटिस। अंडरस्टूड? तो मैक्सिमम कितनी टाइप ऑफ 3D अरेंजमेंट पॉसिबल है पार्टिकल्स की स्पेस में, ओनली 14 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट इज पॉसिबल। ओके, और वो किस साइंटिस्ट ने बताया था, अगस्ते लैटिस ने, इसलिए उनके नाम पे हम लोग इसे बोलते हैं ब्रेविस की लैटिस या ब्रिवाइस की अरेंजमेंट। ओके, नेक्स्ट बेटा वी विल मूव ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस की क्या क्या गुण होते हैं, क्रिस्टल की अरेंजमेंट की क्या क्या गुण होती है, हम लोग ये देखने वाले हैं। एवरी पॉइंट इन अ क्रिस्टल इज नोन एज लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। ध्यान से सुनिएगा, एवरी पॉइंट, जिन पॉइंट्स पे, पॉइंट्स का मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, एटम्स आयन या मॉलिक्यूल, जिन पॉइंट्स पे एटम्स आयन या मॉलिक्यूल्स रहती है एक क्रिस्टल में, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। समझे बात को, फिर से रिपीट करता हूं, क्रिस्टल में जहां जहां पे एटम्स आयन या मॉलिक्यूल्स रहता है उसे हम क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। ओके, और एटम्स आयन और मॉलिक्यूल को हम लोग किससे दर्शाते हैं, पॉइंट से दर्शाते हैं। ओके, एवरी पॉइंट इन अ क्रिस्टल रिप्रेजेंट्स an atom, an atom, ion, or molecule। जो क्रिस्टल लैटिस का डायग्राम हम लोग बनाते हैं वहां पे जो पॉइंट्स को हम लोग शो करते हैं उसका मतलब होता है एटम्स आयन या मॉलिक्यूल। लैटिस पॉइंट्स are joined by straight lines to bring out the geometry of lattice। lattice point को हम लोग क्या करेंगे, straight line से जोड़ देंगे। तो straight line से जोड़ने के बाद हम लोगों को एंटायर अरेंजमेंट की ज्योमेट्री मिल जाती है। बेटा देखो, ये थोड़ा आप लोगों को समझने में दिक्कत हुआ होगा, पर मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग बहुत अच्छे से इसे समझेंगे। तो आई स्विच ऑन टू माय इमेज, आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ब्लू कलर के पॉइंट्स। ये ब्लू कलर के पॉइंट्स जो है वो उन्हें हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट। अंडरस्टूड? ब्लू कलर के पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं, आप लोग कुछ यहां पे पेंटिंग मत करो, आराम से समझो। पहले देखो ये जो डायग्राम है, बताता है एटम्स आयन या मॉलिक्यूल, और लैटिस पॉइंट को जब हम लोग स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं तो हमें लैटिस का मतलब आप लोग समझते हो, हमें एंटायर अरेंजमेंट की ज्योमेट्री मिल जाती है। गॉट इट? तो बेटा आप लोग कोई भी डाउट हो तो प्लीज प्लीज ऑफ अ क्रिस्टल lattice
विच वेन रिपीटेड इन different direction generates the entire lattice. ध्यान से सुनिएगा इस बात को. जिस तरह एक ब्रिक को रिपीट कर दिया जाए तो आपको पूरा वॉल मिल जाता है, उसी प्रकार आप लोगों को क्रिस्टल की अरेंजमेंट को, ध्यान से सुनिए, क्रिस्टल लैटिस का मतलब समझते हो, लैटिस वर्ड का मतलब होता है अरेंजमेंट. क्रिस्टल के अरेंजमेंट में से कोई एक छोटे पार्ट को पकड़ना है. ध्यान से सुनो फिर से, क्रिस्टल की अरेंजमेंट में से एक छोटे से पोर्शन को पकड़ना है और उस पोर्शन को यदि आपको रिपीट करने से चारों डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में यदि आप उस पोर्शन को रिपीट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एंटायर अरेंजमेंट आपको मिल जाएगी. यूनिट सेल क्या हुआ, समझ आया आप लोगों को? क्रिस्टल के अरेंजमेंट से एक छोटा पोर्शन को निकाल लेना है और यदि उस छोटा पोर्शन को रिपीट करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में और यदि हम लोगों को एंटायर अरेंजमेंट मिल जाए उस चीज से तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को यूनिट सेल बोलेंगे. ओके, और यूनिट सेल को दूसरे भाषा में बोला जाता है द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्स. सारे स्ट्रक्चर्स को बनाने वाले छोटे से पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल. जैसे हमारे बॉडी को बिल्ड करने वाला सबसे छोटा चीज क्या है, सेल, है ना. इसी तरह एक स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर को बिल्ड करने वाला सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल. अब देखो, यूनिट सेल इज characterized by six factors. यूनिट सेल को अच्छे से डिफाइन करने के लिए, यूनिट सेल को यदि आप अच्छे से डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको छह फैक्टर्स का मदद लेना पड़ता है. ओके, एक पल के लिए आप समझो, मैं एक क्यूब बना रहा हूं और ये क्यूब जो है एक यूनिट सेल है. ओके, तो क्यूब के एज होते हैं, एक एज को मैं बोलता हूं ए, दूसरे एज को मैं बोलता हूं बी और तीसरे एज को मैं बोलता हूं सी. ओके, दिस वन इज बी. तो एक यूनिट सेल को यदि डिफाइन करना है अच्छे से तो हमें छह फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है. वो छह फैक्टर्स क्या है, ध्यान से देखिएगा. सपोज दिस क्यूब इज अ यूनिट सेल. ओके, उस यूनिट सेल के तीन एजेस को हम लोग पकड़ते हैं. ओके, जिसे हम लोग नाम देंगे ए बी सी. ओके, थ्री एज लेंस, ए बी सी, थ्री एंगल्स बिटवीन द एजेस. एजेस के बीच में एंगल होते हैं जिन्हें हम लोग बोलेंगे अल्फा, बीटा और गामा. ओके, अब ये ध्यान से देखो, द एंगल अल्फा इज बिटवीन बी एंड सी. देखो, याद रखने का आसान तरीका है, अल्फा का मतलब ए समझ लो, तो ए को हटाओ, बी और सी के बीच में जो एंगल होगा उसे हम लोग बोलेंगे अल्फा. ये बी है और ये सी है, इसके बीच के एंगल को हम लोग बोलेंगे अल्फा. बीटा, बीटा को आप मान लो बी और बी हटा दो, ए और सी ले लो. बीटा क्या होता है, द एंगल बिटवीन ए एंड सी. ओके, और गामा क्या होगा, गामा को सी मान लो तो सी को हटा दो, एंगल बिटवीन ए एंड बी. ओके, ए और बी के बीच में ये जो एंगल है उसे हम लोग बोलेंगे गामा.
एक यूनिट सेल को यदि आपको अच्छे से डिफाइन करना है तो आपको इन छह फैक्टर्स का मदद लेना है, तीन एज लेंथ और इन एजेस के बीच में जो एंगल है। ओके देखो, इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपके सामने एक क्यूब लाता हूं। देखो बेटा, एक क्यूब, ओके, एक क्यूब जो होता है उसमें तीन एजेस होते हैं। आप लोगों को मालूम होगा नॉर्मली क्यूब में 12 एजेस होते हैं, पर हम लोग मदद लेंगे इंटीरियर तीन एजेस का, जिसे हम लोग बोलते हैं ए बी सी और एंगल अल्फा बीटा और गामा। ओके नेक्स्ट, हम लोग आगे मूव करने से आपको मैं क्यूब के बारे में कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरा। सपोज करो इस क्यूब को मैं मानता हूं एक यूनिट सेल। ओके इस क्यूब को मैं मान रहा हूं एक यूनिट सेल। इस क्यूब को यदि मैं रिपीट करूंगा डिफरेंट डायरेक्शन में तो हमें एंटायर अलाइनमेंट मिलेगा ऑब्वियसली। अब ध्यान से सुनिए, मुझे एक बात बताइएगा जो जो मैं आपसे पूछूंगा, जिनको जिनको मालूम होगा, एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? एनीबॉडी जल्दी से, एक क्यूब में कितने फेस होते हैं? सिक्स। एक क्यूब में छह फेस होते हैं। देखो ये दो, ये साइड में दो और इधर, एक क्यूब में सिक्स फेसेस होते हैं। ओके तो एक यदि क्यूबिकल यूनिट सेल है तो उसके कितने सारे फेस होंगे? छह फेस होंगे। और कितने सारे एज होंगे? जल्दी से, एक क्यूब में कितना एज होता है? 12। एक क्यूब में 12 एजेस होते हैं। ओके दिस दीज आर नोन एज एजेस। ये वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। और कितने सारे ये होंगे? 12 एजेस होते हैं। ओके और एक क्यूब में कितने सारे कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। 1, 2, 3, 4 और पीछे 4। ओके तो आपको दिमाग में रखना है यदि एक यूनिट सेल को हम क्यूब से डिनोट कर रहे हैं तो उसमें कितने सारे फेस होंगे? 6 फेस होंगे, एजेस 12 होंगे और कॉर्नर 8 होंगे। ओके तो ये आपको दिमाग में रखनी है। सो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, एनी डाउट यहां पे यूनिट सेल क्या होता है मालूम है ना? अब चलो हम लोग यूनिट सेल को फर्दर क्लासिफाई करेंगे कि यूनिट सेल जो होती है इट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज प्रिमिटिव, एंड अनदर इज सेंटर्ड। बेटा जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन कॉर्नर पोजीशन ऑफ यूनिट सेल। ध्यान से समझिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल हम किसको बोलेंगे? जहां पे पार्टिकल सिर्फ कहां पे प्रेजेंट रहेगा? कॉर्नर पोजीशन पे रहेगी, सिर्फ कॉर्नर पे रहेगी। जैसे मानिए एक पल के लिए आपके सामने ये एक यूनिट सेल है। ओके तो इसको यदि हम प्रिमिटिव बोलेंगे तो पार्टिकल सिर्फ कहां रहेगा? कोने पे रहेगा। दिस वन, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, आठों कॉर्नर पे पार्टिकल्स रहेंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल। नेक्स्ट इज सेंटर्ड यूनिट सेल। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन अदर पोजिशन इन एडिशन टू दोज एट कॉर्नर्स। देखो सेंटर्ड यूनिट सेल हम लोग किसे बोलते हैं? कॉर्नर पे तो पार्टिकल को रहना ही है। ओके कॉर्नर पे तो पार्टिकल को रहना ही है और साथ में कोई और पोजीशन पे भी पार्टिकल रहेगा तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? सेंटर्ड। ध्यान से सुन लो, सेंटर्ड यूनिट सेल किसे बोलेंगे? कॉर्नर पे तो पार्टिकल्स रहेगा ही पर साथ में और कोई पोजीशन पे भी पार्टिकल रह सकता है तो उसे हम लोग बोलेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके अब सेंटर्ड यूनिट सेल को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं तीन पार्ट। The first one is face centered unit
तो हम लोगों ने देखा कि प्रिमिटिव में पार्टिकल सिर्फ प्रेजेंट रहती है कॉर्नर पोजीशन पे, और सेंटर्ड में पार्टिकल कॉर्नर पे भी रहेगा और साथ में कोई और पोजीशन पे भी रहेगा। तो सेंटर्ड में पहली क्लासिफिकेशन दो है, दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बेटा कैसा रहेगा, जरा मैं आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिएगा। समझिए ये एक यूनिट सेल है, तो पहले तो सेंटर्ड है, मानता हूं कि सेंटर्ड होने के लिए भी पहले तो सारे कॉर्नर पे तो रहना ही पड़ेगा, तो सारे कॉर्नर पे आपके पार्टिकल मौजूद है, और साथ में आप क्या मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर फेस पे, कोई एक पर्टिकुलर फेस पे एक आपका पार्टिकल प्रेजेंट है, एक एटम कोई फेस पे प्रेजेंट है। जैसे कि एक एटम है ये इस फेस पे है और साथ में दूसरे कॉर्नर पोजीशंस पे भी पार्टिकल प्रेजेंट है, क्लियर ना, फेसेस पे भी पार्टिकल्स रहेंगे। पार्टिकल्स का मतलब आप समझते हो एटम, आयन या मॉलिक्यूल, अंडरस्टूड। और दूसरी हम लोग देखेंगे दैट इज, हाँ मैडम, ओके, ऑन द सिक्स फेसेस रह सकते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, पार्टिकल्स कॉर्नर पे रहेंगे, सारे कॉर्नर पे तो पार्टिकल्स को रहना ही है, और साथ में एक पार्टिकल एकदम एग्जैक्टली क्यूब के मिडिल में जाके रहेगा, अंडरस्टूड। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो रहेगा ही, साथ में एक पार्टिकल एग्जैक्टली क्यूब के बीच में जाके प्रेजेंट है, ओके। एंड द थर्ड वन इज एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड पे क्या होता है, कॉर्नर्स पे पार्टिकल रहेंगे और साथ में दो अपोजिट फेसेस पे रहेगा। एंड सेंटर्ड पे क्या होगा, पार्टिकल्स दो अपोजिट फेसेस पे ही रहेगा, ओके। ये या तो ये वाला दो अपोजिट इस पे या ये दो पे रहेगा, इस पे और इस पे, ओके। तो बेटे देखो, आप लोगों को मैंने रफली एक क्यूब के को यूनिट सेल माना, फिर उससे समझाने की कोशिश की, पर मैं आप लोगों को एक स्पेस फिलिंग मॉडल दिखाता हूं, दैट इज एग्जैक्टली कि एटम किस तरह से प्लेस्ड होती है एक यूनिट सेल में, वो आइडिया आपको क्लियर हो जाएगी। पहले देखो एकदम यूनिट सेल का आइडिया दिमाग में क्लियर रखो। यूनिट सेल का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट पोर्शन एक क्रिस्टल का, जिसको हम लोग रिपीट किए तो हमें पूरा क्रिस्टल मिल गया। अब मैं दिखा रहा हूं कि यूनिट सेल पे कौन कौन से पोजिशन पे पार्टिकल्स रहते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं आप लोग है कि ये किस टाइप का सॉलिड है बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जल्दी माइक ऑन करके मुझे बताओ, पोटासियम सल्फेट किस टाइप का सॉलिड हो सकता है? वेरी गुड, आयनिक सॉलिड। क्यों? के प्लस और एसओ फोर टू माइनस, तो दो पॉजिटिव और कैटायन आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, इसके कारण हम इसे क्या बोलेंगे, आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू टिन। बेटा टिन किस टाइप का सॉलिड हो सकता है? मैटेलिक, मेटेलिक सॉलिड, वेरी गुड। बेंजीन? कोवेलेंट? नहीं बेटा, बेंजीन एक मॉलिक्यूलर सॉलिड होती है और इट्स नॉन पोलर। बेंजीन एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है और नॉन पोलर सॉलिड है, ओके। यूरिया? यूरिया कोवेलेंट नहीं, देखो अब मैं यूरिया को आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो यूरिया को समझने का कोशिश करो पहले। देखो यूरिया इज NH2 सी डबल बॉन्ड ओ NH2, यही यूरिया का फॉर्मूला होता है ना। अब देखो कार्बन पे क्या होगा, एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी और ऑक्सीजन पे एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो पोल्स डेवलप हो गई ना बेटा, तो पोल्स डेवलप हो गई, तो ये किस टाइप की सॉलिड हो जाएगी, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, लैटिस किसका, लैटिस का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, और यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल, जिसको हम रिपीट कर देंगे तो हमें एंटायर क्रिस्टल मिल जाएगा। तो हम लोगों ने यूनिट सेल में पार्टिकल की पोजीशन को पढ़ा है, और पहला था प्रिमिटिव, जहां पे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पे, कॉर्नर समझते हो ना, सिर्फ कोना पे प्रेजेंट रहेगा, ओके।
अच्छा क्यूबिकल यूनिट सेल है बेटा, तो कितने सारे पार्टिकल रहेंगे बताओ तो प्रिमिटिव वाला में? आठ दो रहेगा, वेरी गुड, अंडरस्टूड। और फिर सेंटर्ड में पार्टिकल्स तीन तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं, एक फेस सेंटर्ड जहां सारे कॉर्नर्स पे और फेसेस पे रह सकता है, बॉडी सेंटर्ड में सारे कॉर्नर्स पे और एक एकदम बॉडी के अंदर में, और तीसरा हम लोगों ने एंड सेंटर्ड देखा जो एग्जैक्टली ऑपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट रहेगा पार्टिकल्स। तो यदि आपको आज का लेक्चर समझ आया तो आई एम आस्किंग यू यस और नो, रिप्लाई करो। कोई दिक्कत? दिक्कत यस सर, बताइए क्या दिक्कत है? नो सर। ओके बेटा, सो टुडे के आज के लिए थैंक यू, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, सो थैंक यू फॉर टुडे।